क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सिड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बच्चों इस क्वेश्चन में एपी बताना है जिसकी थर्ड टर्म तो बच्चों 16 है, जबकि सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, है ना बच्चों। कोई भी एपी पता करने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, वो ये कि एपी की फर्स्ट टर्म मतलब ए पता हो और डी पता हो, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमने यही मान लिया, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। बच्चों यहां थर्ड टर्म दे रखा है, 16 दिया हुआ है जो कि A3 से रिप्रेजेंट होगा, थर्ड टर्म बच्चों A3 से रिप्रेजेंट होगा। इसे आप लिख पाएंगे ऐसे, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और बच्चों दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, तो ये ज्यादा है इससे, है ना, फिफ्थ टर्म से कितना बच्चों 12 मोर है। तो या तो 12 इसमें से माइनस कर लो या इसमें 12 प्लस कर लो, तो इनके बीच में इक्वल का सिंबल आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं बच्चे, इसमें प्लस कर लेते हैं 12 और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इसे, ए और डी में क्या लिख पाएंगे बच्चों, ए प्लस 6D और इसे लिख पाएंगे आप ए प्लस 4D प्लस 12, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, इसे इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 12 बाय 2, 6 इज इक्वल टू 6। डी की वैल्यू 6 मिल गई बच्चों। अब ये डी की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे, है ना, तो हमें ए मिल जाएगा। पुटिंग डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16। बच्चों डी की वैल्यू हमने यहां रखी तो 2 × 6 12 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4। फर्स्ट टर्म बच्चों हम पता कर चुके 4, जबकि कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। तो एपी हम इस प्रकार से लिख पाएंगे, एपी इज गिवन बाय बच्चों फर्स्ट टर्म 4 ऐसे लिख लो, कॉमन डिफरेंस आपको बार बार ऐड करना है हर एक नेक्स्ट टर्म में, तो 4 + 6 10 हो गया बच्चों, है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड कर लीजिए 16, ऐसे ही 6 फिर से ऐड कर लीजिए तो ये 22। इसी प्रकार से आप एपी लिख पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों को। फर्स्ट टर्म लिख लीजिए आप, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे कितना था 6, तो 4 + 6 10 हो गया। अब 10 मिल गया, 10 में 6 ऐड कर दो तो 16 मिल जाएगा, 16 में फिर से 6 ऐड कर लो 22 हो जाएगा।